और इनिंग्स आपके सामने थी। नेदरलैंड्स के खिलाफ नॉट आउट वंस अगेन, 44 बॉल 64 नॉट आउट। राहुल चलवा चल गया, शुक्र है, 32 पे 50। और सूर्या कुमार यादव नंबर वन रैंक बैट्समैन, 16 गेंदों पे 30। जैसे ही वो आता है रन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। आई लाइक दिस थिंग अबाउट सूर्या कुमार यादव। और वर्दी नंबर वन है, वर्दी अभी जो रैंकिंग में आया है आज पहले नंबर की रैंकिंग पे, तो बिल्कुल वो डिजर्व करता है जिस तरह की उसने पूरा इस साल क्रिकेट खेली है। शानदार जानदार 170-180 का स्ट्राइक रेट, क्या नाम उसे आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर सूर्या कुमार यादव। सो वंस अगेन द मैन फॉर इंडिया विराट कोहली, और बाकी सारी विकेटें तो गिरती जाती हैं इधर उधर, लेकिन ये बंदा खड़ा रहता है भाई, और बहुत ही अच्छी और कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स खेल रहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले मैच में थोड़े रन आते तो अच्छा होता, और चार में से तीन फिफ्टियां की हैं और तीन में नॉट आउट रहा है, बहुत ही शानदार। और ये वाला जो ग्राउंड है इसका फेवरेट ग्राउंड है यहाँ पे, और बेहतरीन किस्म की हिटिंग की है, और ऊपर से क्या राहुल यार इस तरह करें, बाहर जाएं, ढोल शोल वाले बुलाएं 5-1 हजार और डांस करें कि इतना मतलब 50 तो उसने कर लिया, लेकिन 50 के बाद क्या आउट हो जाता है बंदा, मतलब एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। अगर बांग्लादेश जैसी टीम देखें, विराट कोहली से आप नफरत करें, उसको बुरा भला कहें, उसको कहें जी 37 बॉलों में 50, 31 बॉलों में राहुल का 50 आया, फ्री हिट पे भी कुछ नहीं आया, आप अगर राहुल वाली इनिंग्स ये खेले विराट कोहली आउट हो जाता आप 150 कर लेते आज। वंस अगेन माय क्वेश्चन इज दैट स्काई गया, वो क्या डीके रन आउट हो गया, अक्षर पटेल को उसका रोल नहीं पता, पांड्या को उसका रोल नहीं पता, भजन 16 बॉलों में 30 तो आया, एट द एंड ऑफ द डे आपकी विकेटें कहां गिर गई। देखिए ये इमोशनल है, मुसीबत ये है कि ये बात समझने को नहीं तैयार होंगे कि ये जो इनिंग खेलता है ना विराट कोहली जिसका नाम है, ये खेलता है फिनिशर वाली नहीं, असल फिनिशर तो विराट कोहली है। जहां मुश्किल में आते हैं, जहां मुश्किल में आते हैं आपको कोहली बाहर निकालता है। पांड्या भी गया, स्काई भी गया, राहुल भी गया, रोहित भी गया, अक्षर भी गया, डीके भी गया, एट द एंड ऑफ द डे 184 कैसे हुआ। यहाँ पे आपको अश्विन की तारीफ करनी पड़ेगी, वो जो 10-12-14 आए हैं जल्दी जल्दी वाले, वो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ गुड इनिंग्स बाय राहुल, बट ही शुड हैव स्टेड 50 करके अपना नंबर पक्का करके अगले मैच में, अगर आप अंधे होके और कान बंद करके देखेंगे। 100 की प्लस की एवरेज से खेल रहा है विराट कोहली, 200 प्लस की एवरेज से खेल रहा है विराट कोहली इस टूर्नामेंट में। यार देखो इसी तरह खेलता रहेगा तो यू नेवर नो, इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, मतलब नॉट आउट खेल रहा है, नॉट आउट जा रहा है, फिफ्टियां कर रहा है, तो इसी तरह खेलता रहेगा 5-7 मैच और, तो पहले पे नहीं तो दूसरे पे तो आ ही जाएगा। और पहले वाला भी क्योंकि बड़ा कंसिस्टेंट है, अभी सूर्या कुमार यादव आज ही पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन बना है, और बहुत डिजर्विंग किस्म का बंदा बना है नंबर वन रैंकिंग का बैट्समैन। जहां ये फंसेगा रिजवान अदर, ये राहुल ये नहीं मरवा देगा, जहां मेरा मैच होगा ये मेरा चैलेंज है वर्ल्ड कप का, ये तो आप जीत गए, जिम्बाब्वे को भी आप जीत जाएंगे, ये जो न्यूजीलैंड का बार बार जब आप बॉम्ब बॉम्ब होंगे दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, फिर आप माजरत के साथ मत एक्सपेक्ट करें, आप राहुलियन पंतियन विरातियन से बाहर नहीं निकल रहे जब तक आप नहीं निकलेंगे, ये मेरी बात याद रखें, मुल्क के लिए सोचे, मुल्क का कहेंगे। जो सुबह शो में रिजवान साहब ने कहा था कि कराची की टीम नहीं है, तो बिल्कुल ये किसी एक जगह की टीम नहीं है, अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं, 50 आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की बॉलिंग शुरू में तस्कीन ने हिलने नहीं दिया, 50 आप देख रहे हैं तो टोटल 100 रख लें, 125 रख लें, बाकी कौन करेगा बताएगा, कौन करेगा। और अगर मैं बात मान लू गंभीर की, तीसरे नंबर में स्काई आएगा, 18-20 वाले 30-35 करेगा, वो गया फिर स्कोर कौन करेगा।